हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। आप लोगों ने कल का पार्ट वन देखा हुआ था, तो अब पार्ट टू की बारी है। अब पार्ट टू को भी देख लीजिए और इसे एंजॉय करिए। मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोगों का कल का जो पूरा चला आ रहा था उस चीज को खराब नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लाइक हाउ डोम्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर IITs, और किस किस और क्या क्या कौन कौन सी IITs है जिनमें लाइक वेरियस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं ऑलरेडी, MS या फिर वो MTech हो। सो पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च। ओके, और ये डॉम्स को छोड़ के जो जो सब IITs हैं या फिर IIMs हैं या फिर निटी मुंबई है, जिधर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर ऑपरेशंस पढ़ाया जाता है, दोनों में सिर्फ एक ही चीज पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप निटी मुंबई को जाओ, उस पे क्या होता है हमारे लिए बीटेक वालों के लिए PGDIE होता है फॉर गेट पीपल, PGDIM होता है फॉर कैट मैनेजमेंट। तो PGDIM में क्या होता है ना, मैनेजरियल टर्म्स पढ़ाया जाता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसे तुमको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखना है, ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स नहीं होता, बस ओवरऑली जो MBA जो IIM के ऑपरेशंस में होता है वही सब ज्यादातर होता है। लेकिन PGDIE में क्या होता है ना, वो क्वालिटी थोड़ा क्वांटिटेटिव होता है, थोड़ा मैथमेटिकल ओरिएंटेड होता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च। ओके, सो लेकिन डॉम्स में इधर क्या होता है ना, इधर हमको फर्स्ट ईयर में जब MBA वालों के साथ करते तब हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट या फिर मैनेजरियल चीज का मतलब टोटल हो जाता है, हमारा मैनेजरियल में ग्राइंड कर लेते हैं। और सेकेंड ईयर में जब हमारा रिसर्च लेवल कोर्सेस चालू होता है या फिर डेप्थ लेवल कोर्सेस चालू होता है या हमारा खुद का पर्सनल रिसर्च चालू होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, पूरा उसका ऑपरेशन रिसर्च करना पड़ता है, मतलब वो फिर क्वांटिटेटिव के और जाना पड़ता है। तो इधर आप अगर MS करने आए या फिर PhD करने आए तो हियर यू विल बिकम अ टेक्नो मैनेजर, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल या फिर सिर्फ मैनेजरियल, इधर आप बोथ बन सकते हो अगर आप अच्छे से एफर्ट दो। तो दैट्स द एक्स फैक्टर ऑफ डॉम्स, इधर आप टेक्निकल भी आप स्टार्टिंग में ग्राइंड होगे और मैनेजरियल भी ग्राइंड होगे। सो इसका कॉम्बिनेशन है डॉम्स मैनेजमेंट। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम इट लाइक और कौन कौन सी IITs जिसमें हम ऐसे मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट्स हो इन इंडिया या लाइक बी स्कूल्स, लाइक जिनमें हम गेट स्कोर के थ्रू अपने एंट्री ले सकते हो। सबसे अच्छा वाला है M मैनेजमेंट, यू नो IIC बैंगलोर में, ठीक है, उसका गेट स्कोर 800 के ऊपर जाता है, ठीक है। और सेकंड थिंग है हमारा बाकी सब IITs में जिधर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है उधर आप गेट स्कोर के थ्रू से जा सकते हो अगर आपका ऑपरेशन या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उधर सब भी अराउंड 780 के ऊपर ही स्कोर जाता है, उसे नीचे नहीं जाता। और एज यू नो निटी मुंबई इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, सो ये सब जनरली होते हैं जो गेट स्कोर से आप जा सकते हो। और ये जो हमारा डॉम्स का है ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसलिए इसका कट ऑफ कम है, ये नहीं कि ये अच्छा नहीं है, इसलिए इसका कट ऑफ कम है क्योंकि ज्यादातर अभी थोड़ा हिडन है, ठीक है। आप जैसे आपके पिछले वीडियो में मेंशन किए थे हिडन जेम, इट इज वेरी गुड। ओके, तो ये अभी थोड़ा हिडन है, अभी जैसे निटी मुंबई का 4-5 साल पहले क्या था, बस 700 अराउंड गेट स्कोर वालों के भी आ जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका पब्लिसिटी के बाद अभी 750 बिलो में आता ही नहीं है कि कोई जनरल वालों को, ठीक है। वैसे ही अभी ये उसी स्टेज में है जब अभी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, उसके लिए इसका थोड़ा मतलब 600 के ऊपर से जितना भी गेट स्कोर वाले इसके अंदर आ सकते हैं आराम से। ओके, नाउ द सेवंथ क्वेश्चन, लाइक व्हाट आर द प्लेसमेंट सिनेरियोस एंड एग्जैक्ट फिगर्स फॉर एवरी डिपार्टमेंट लाइक इन तो इस दौरान अभी मेरे को 1 year कंप्लीट होने को है इधर, मतलब इस सेमेस्टर कंप्लीट होने के, सो ड्यूरिंग दिस टाइम आई हैव आल्सो बिकम द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, सो आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे मेन एडवांटेजेस में ये है, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी एरोस्पेस पे जाओ या फिर आप मैकेनिकल पे MTech या फिर MS करो, आपका क्या होता है ना, आपका एक ही प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, जैसे कि सेंट्रल प्लेसमेंट, ठीक है, IIT मद्रास का सेंट्रल प्लेसमेंट। और अगर आप MBA करो तो आप डॉम्स के प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। हमारे लिए ये फायदा है, हम सेंट्रल प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हैं और इधर MBA वालों के साथ डॉम्स के प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और थर्ड फायदा हमारे लिए ये है, हमारा एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम होता है जो सिर्फ स्कॉलर्स के लिए होता है, सिर्फ MS और PhD स्कॉलर्स के लिए होता है, डॉम्स वालों के लिए। तो हम तीन जगह जो ईयर लॉन्ग चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिसंबर में, हमारा एक टीम होता है जो कि कॉन्स्टेंट टच में रहते हैं डिफरेंट कंपनीज के, और वो जब भी ओपनिंग करते हैं ये हमको वो उनको कॉल करते हैं, वो सिर्फ MS और PhD लोगों के लिए आते हैं, ठीक है। और बाकी जो जब सीजनल प्लेसमेंट जो होता है जो नवंबर डिसंबर में होता है, वो तो बाई डिफॉल्ट हम सेंट्रल प्लेसमेंट में भी बाकी सब IIT जो बाकी ब्रांचेस के साथ भी बैठ सकते हैं या फिर हम हमारे डॉम्स डिपार्टमेंट पे MBA वालों के साथ भी बैठ सकते हैं।
सो दिस इज आवर द बिगेस्ट एडवांटेज, लाइक तीन तीन जगह पे हम बैठ सकते हैं. एंड सेकेंड फिगर में बताना चाहूँ तो हमारे जो जस्ट सीनियर से लास्ट ईयर के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में बताऊँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 21.5 लाख, वो सिस्को पे गया था, एक लड़की पाई थी. फिर उसके बाद गया था टोटल 4 to 5 फ्री होता है हमारा. ये जो और एक बात है कि बस 4 या 5 सीट्स होते हैं, मतलब पर समर या फिर विंटर में और भी कम होते हैं. अगर आप समर के लिए अभी जो जो लोग समर के लिए सिलेक्ट होंगे मैक्सिमम 3 से 4 से 5 लोग ही लेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. उनको जितना पसंद आया वो, अगर उनको 6 पसंद आया तो 6 लेंगे, उनको अगर 3 पसंद आया तो 3 भी लेंगे. ऐसा okay. कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि 5 ही लेना है, ठीक है. तो ऑन एन एवरेज 5 स्टूडेंट्स होते हैं. लास्ट ईयर भी 5 से 6 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक या दो पीएचडी के लिए कन्वर्ट कर लिए और बाकी जितने प्लेसमेंट्स के लिए बैठे थे सारे प्लेस्ड हो गए. एक 21 लाख जो हाईएस्ट गया था उस पे हुआ और बाकी सब कोई 10 पे, कोई 11 पे, कोई 12 पे और कोई 13 पे, ऐसे. तो एवरेज इधर 13 और 14, दैट्स द एवरेज प्लेसमेंट ईयर. 10 से नीचे शायद ही कभी गया है, 10 से ऊपर हमेशा रहता है. एंड द मीडियन एंड एवरेज इज 13 and 14 एलपीए. और बाकी जो होते हैं जो मैनेजमेंट को सॉरी मार्केटिंग उस पर भी हो, उधर से भी जो एमबीए के लिए क्या आता है ना, एमबीए में से डिफरेंशिएट नहीं करते, एमबीए में सब आते हैं, मतलब सभी डोमेन्स के कंपनीज आते हैं, तो वो एमबीए वालों के साथ भी बैठते हैं. हमारा सबसे ज्यादा इंटेक इधर ऑपरेशन का ही होता है, मतलब मार्केटिंग आईएएस आईएएम इसमें मतलब एक या दो बंदे ही लेते हैं, तो उनका भी कोई टेंशन नहीं रहता है. उनका इधर वो ज्यादातर कुछ कुछ पीएचडी के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो या सेंट्रल प्लेसमेंट में या फिर हमारा एमबीए के लिए प्लेसमेंट करके उधर भी चले जाते हैं. और एमबीए वालों का एवरेज 14 या 15 लाख पर आना में, तो उसी पैकेज में ही वो एमबीए वालों के साथ बैठ के जाते हैं, मतलब 10, 11, 12 वेरी करता है, ठीक है. लेकिन ऑपरेशन के लिए स्पेशली 13 and 14 इज द एवरेज. और हर साल मैकेंजी और हमारा ये सिस्को ये हर साल ये 20 और 21 के अराउंड में ये दोनों कंपनी हाईएस्ट में रहते हैं. ओके ओके ओके, लाइक मतलब प्लेसमेंट सेंटर्स आर रियली वेरी गुड. या जैसे मुझे लगता है लाइक हाँ, एक मतलब एक नॉर्मल लाइक 700 बिलो गेट स्कोर पे भी एक इतना बड़ा पैकेज लाइक ये पॉसिबल नहीं होता गेट स्कोर से बिले के लिए, तो ये जन्नत है पूरा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लाइक अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सागर, लाइक फॉर सागर, लाइक सागर प्लीज टेल मी अबाउट द एक्सपेंडिचर स्टाइपमेंट एंड देन आरओआई. देखो एक्सपेंडिचर अगर अगर मतलब एक्चुअली अपन ऑन कैंपस है, अभी हम तो ऑन कैंपस नहीं है, हम एक साल से घर ही है. अगर ऑन कैंपस है तुम तो अप्रोक्सीमेटली दर साल 90,000 से 1 लाख तक खर्चा आता है टोटल, हॉस्टेल खाना पीना रहना सब टोटल प्लस कॉलेज फीस 1 लाख तक. तो अगर हम 2.5 या 3 साल तक करते तो 2.5 और 3 लाख रुपया खर्चा आएगा ऑन एन एवरेज फुल कोर्स के लिए. और तुमको 2.5 साल के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है अपना रेगुलर गेट स्टाइपेंड प्रोवाइडेड बाय एमएचआरडी विच इज 12,400 पर मंथ. ओके, तो ऑलमोस्ट वो कवर हो जाता है, मतलब फीज एंड स्टाइपेंड प्लस माइनस नेट इफेक्ट जो है वो नलीफाई कर देता है उसको. और बाद में अगर तुमने अपना ये कंसिडर किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो अपन इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहे हैं. मतलब अब अगर सेम तुमने मैनेजमेंट कोर्स कंसिडर किया एकदम फुल्ली फ्लेज मैनेजमेंट एमबीए कंसिडर किया और नहीं तो नीटी कंसिडर किया, तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई रहता है. मतलब इफ यू आर फाइनेंशियली वीक एंड यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू टेक एनी लोन, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस यू कैन विश फॉर. दैट्स दिस इज द समरी ऑफ ऑल डिस्कशन. ओके, मतलब एग्जैक्टली आपको उतना ही फीस पे करना है जितना एमटेक का कोई और भी स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट में पे कर रहा है. लाइक मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेशल बहुत ज्यादा फी नहीं है. एंड यू विल आल्सो गेट द स्टाइपेंड फॉर द 2.5 ईयर, है ना, दिस इज अ वंडरफुल थिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर लाइक या मैं बोला था एमबीए वालों का फीस जो होता है ना, मतलब वो सेम जो हम कोर्स वर्क करते हैं उनका भी सेम रहता है. उनका फीस एमबीए वाले बहुत नहीं पे करते हैं. नहीं नहीं नहीं, उनका 9-10 लाख होता है, ठीक है. अच्छा, एमएस और पीएचडी वाला, या एमएस के लिए एज यू नो लाइक नीटी बॉम्बे आल्सो टेकिंग लाइक 17 लाख रुपीस फॉर द पीजीडीआई पीजीडीएम, 10 लाख हो गया, दैट इज टू हाई फीस. तो हमारा टैक्स फंड वंडरफुल, लाइक हां फीस इज सो अमेजिंग. Okay, now next question from the Sagar, that is tell me something about the research work and how exciting the course curriculum actually. So basically first
वो तुम्हारा तो कोर्स वर्क में ही चला जाता है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रोफेसर एक्चुअली, मीन्स हाउ यू आर अप्रोचिंग प्रोफेसर एंड ऑल थिंग्स. मतलब तुम प्रोफेसर से ज्यादा अप्रोच करते हो तो वो जनरली 6 months के बाद भी शुरू कर डालते हैं रिसर्च वर्क. लेकिन जनरली फर्स्ट ईयर में जो है कोर्स वर्क बहुत हैवी रहता है, तो फर्स्ट ईयर तो कोर्स वर्क में चला जाता है. जनरली फुल्ली फ्लेश्ड जो रिसर्च अपन बोलते हैं वो सेकंड ईयर में स्टार्ट होता है. और रिसर्च मतलब देखो, दिस इज द ब्रांच वेयर यू कैन डील विद, मीन्स यू आर डीलिंग विद लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. मतलब अब तुमने मैकेनिकल ले लिया तो मैकेनिकल में कैसा टेक्निकल रिसर्च ले रहता है, लेकिन इसमें तुम टोटली जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उससे डील कर रहे हो कि क्या चल रहा है रियल वर्ल्ड में. तो रिसर्च वर्क बहुत एक्साइटिंग रहता है, और जो तुम कोर्स वर्क में सीखे हो वही तुम उधर मतलब अप्लाई करते हो तो और भी मजा आता है. और रिसर्च वर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और क्या पूछा था, लाइक कितना एक्साइटिंग है इसका कोर्स करिकुलम? कोर्स करिकुलम तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत, मतलब टोटल रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं. ऑपरेशंस रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन, सब ई कॉमर्स सेक्टर में क्या चल रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, सब सब टोटल मतलब रियल वर्ल्ड से तुम रेजोनेट कर सकते हो खुद को कि क्या चल रहा है रियल वर्ल्ड में. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर तुलसी, लाइक टेल मी समथिंग लाइक इंटर्नशिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल. लाइक जैसे कि हम निटी में जानते हैं कि निटी में ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप्स लोग लग जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे पैकेजेस पर. एंड देन आफ्टर द फॉरेन अपॉर्चुनिटीज क्या है, और लाइक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स. सो इधर बेसिकली क्या होता है ना, जैसे एमबीए और निटी मुंबई में होता है उनको कंपलसरी रहता है, मतलब आते हैं इंटर्नशिप्स एंड ऑल करने के लिए. इधर वो वैसे सिस्टम नहीं है, बट इधर क्या है, जितने भी हमारे प्रोफेसर लोग हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई फैक्ट्री है, तो ज्यादातर बिजनेस वर्ल्ड में क्या करते हैं ना, वो लोग एनालिस्ट ढूंढते हैं एंड वो दे चूज द प्रोफेसर्स. ओके, उनका कोई भी प्रॉब्लम हुआ, फॉर एग्जाम्पल उनके इन्वेंट्री, उनके वेयरहाउस में कोई प्रॉब्लम हुआ, उनको लग रहा है कि उनको रीऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उनके सब अच्छे से कॉस्ट कम करने के लिए या फिर कुछ भी ऐसा करने के लिए, देन दे क्या कर, वो क्या करते हैं ना, वो कॉन्टेक्ट करते हैं हमारे प्रोफेसर्स को. मतलब सिर्फ हमारे नहीं, मतलब इंडिया में वो देखते हैं टॉप रिसर्चर्स कौन है. ठीक है, हमारे जो सी राजेंद्रन सर है वो प्रोफेसर, उनका एच इंडेक्स अराउंड 50 है और वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स है ऑपरेशंस के फील्ड में. ठीक है, तो वैसे बाकी सब सर्स को क्या, प्रोफेसर्स को वो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं एंड उनका प्रॉब्लम उनको देते हैं. ठीक है, एंड वो लोग क्या करते हैं ना, उनके अंडर जो सब स्टूडेंट्स काम करते हैं वो वही प्रॉब्लम उनके अंडर डिवाइड कर लेते हैं. तो वन टाइप ऑफ हमें डायरेक्ट लाइफ प्रोजेक्ट्स मिल जाता है जो हम जो रियल वर्ल्ड में चल रहा है. ठीक है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ पूरा, मतलब हाँ, एंड ये स्पॉन्सर्ड भी होता है. तो कुछ कुछ टीचर स्पॉन्सर करते हैं, मतलब जो उनको पैसा मिलता है वो स्टूडेंट्स लोगों को भी देते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स के थ्रू में, एंड कुछ नॉन स्पॉन्सर्ड होता है. ठीक है, तो ये रह गया हमारा इंटर्नशिप. इंटर्नशिप ऐसे हार्ड एंड फास्ट ऐसे नहीं होता है, लेकिन लाइफ प्रोजेक्ट्स बहुत मिलते हैं जो सब पूरा रियल लाइफ में चल रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट दिस अबाउट फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या होता है, आप जॉइंट एमएस या फिर जॉइंट पीएचडी भी कर सकते हो. मतलब कोई एक सेमेस्टर यू कैन गो अब्रॉड जिधर आपके प्रोफेसर का कांटेक्ट हो कोई भी यूनिवर्सिटी में. जैसे मेरे प्रोफेसर के है यूनिवर्सिटी ऑफ पसाव जर्मनी में उनका कांटेक्ट है, या फिर कोई भी प्रोफेसर के जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में उनका कांटेक्ट हो, देन दे कैन सेंड यू फॉर जॉइंट एमएस या फिर जॉइंट पीएचडी, जिधर आप एक 6 months या फिर 1 semester पूरा उनका कोर्स वर्क करके रिटर्न आ सकते हो. एंड द थर्ड थिंग इज, आप जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हो जब वो थोड़ा थोड़ा फाइनल स्टेज में आ जाए, यू कैन गो ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस एंड ऑल. वो एक वीक का ट्रिप रहता है. ठीक है, और उधर आप अपना मतलब सारे वर्ल्ड के जो सब होते हैं ऑपरेशंस के जो रिसर्चर्स एंड ऑल सब आते हैं, एक जगह पे बैठते हैं और अपना अपना रिसर्च वर्क आपस में डिस्कस करते हैं. दैट इज इंटरनेशनल मतलब कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं. सो उसके लिए भी आपको कॉलेज ये सब जो होता है टोटल स्पॉन्सर्ड कॉलेज स्पॉन्सर करता है आपका आने जाने का, उधर रहने का, उधर मंथली कितना देगा, टोटल सब रहता है. ठीक है, सो दीज ऑल आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ हमारा क्या है, इंटर्नशिप हो या फिर हमारा लाइफ प्रोजेक्ट हो या फिर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज. ओके, अब चलो हम लोग यार इसको लास्ट में बिल्कुल समराइज करेंगे, और समराइजेशन हम दोनों से ही लेंगे कि लाइक उन्होंने जब ज्वाइन किया था इस कोर्स को तो उन्होंने किस माइंड सेट के साथ ज्वाइन किया था, और लाइक अब वो कैसा फील कर रहा है. लाइक कई जगह क्या होता है कि मतलब मैं सही बताता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग सिर्फ कई बार आईआईटीज के टैग के लिए चले जाते हैं आईआईटीज के अंदर. लाइक वो इंटरडिसिप्लिनरी उन्होंने ब्रांच ले ली, कोई भी ब्रांच ले ली, क्रायोजेनिक जो मिली उन्होंने वो उठा ली. लाइक जब वो वहां पर पहुंचते हैं देन कोर्स करिकुलम स्टार्ट होता है, उसके बाद बस वो पढ़ रहे होते हैं कि बस मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा यार, बस प्लेसमेंट हो जाएगा. तो जब तुम लोगों ने आईआईटी मद्रास के साथ एंट्री की, दोनों से मैं सेपरेटली पूछूंगा, तो क्या माइंडसेट था, और नाउ दिस टाइम मतलब लाइक तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है इस कंपेयर टू अपने इंडस्ट्रियल लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोर इन बैकग्राउंड को छोड़कर, पर अब मैनेजमेंट में. तो सबसे पहले मैं सागर से पूछना चाहूंगा.
ऑनेस्टली मेरा कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं था कि मुझे मैनेजमेंट में करियर करना है। मैंने लाइक मतलब बहुत जगह अप्लाई कर दिया था और मुझे मतलब मेरे को क्या था एंड में ऐसा ऑप्शंस चाहिए था कि 2-3-4 ऑप्शन चाहिए मेरे सामने और मैं उसमें से प्रॉपर कोई तो भी चूज कर सकूं। लेकिन मेरे को मैनेजमेंट भी अच्छा लगता था, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पैकेज अच्छा है तो चलो मैनेजमेंट ले लेते हैं, वैसा कुछ नहीं था। तो मतलब हाँ, तो मैंने बहुत जगह पे अप्लाई किया था तो फाइनली मुझे 2-3 चॉइस मिली थी। लाइक IIT मद्रास में ही एक क्लिनिकल इंजीनियरिंग करके MTech वो मिला था, बाद में ये मैनेजमेंट स्टडीज, और मुझे मिला था एरोस्पेस में MS। तो फिर फाइनली मैंने पूरा मतलब एनालिसिस वगैरह किया, सीनियर्स लोगों से बात वगैरह किया, और मैंने मतलब ऐसा मेरा तब भी मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे मैनेजमेंट में रिसर्च किया, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया तब कि मैं मैनेजमेंट में करूंगा। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि वो डिसीजन प्रॉपर है क्योंकि इंटरेस्टिंग है कोर्स, मतलब एक्चुअल रियल वर्ल्ड से तुम डील करते हो प्रॉब्लम से तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा कुछ मतलब रिग्रेट टाइप कुछ नहीं हो रहा है। ओके, नाउ कम टू द तुलसी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरा गेट खत्म हुआ फरवरी में, ठीक है, तब से ही मेरे को मतलब स्टार्टिंग से जब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग गेट के दौरान पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कर्नर मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के तरफ था जो कि हल्का मैनेजरियल भी रहता है, और मोर और लेस मेरे को ये ब्रांच के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। ये मेरे को एट द एंड जब मैं मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस IIT मद्रास में डाल रहा था तभी मेरे को ये ब्रांच के बारे में अराउंड अप्रैल के बाद मई जून के अराउंड पता चला, जब ये हम लास्ट ईयर जब ये अप्लाई कर रहे थे तब तक मैं सोच रहा था कि सिर्फ निटी में ही हम जा सकते हैं गेट के थ्रू से। तो निटी को आंख में रखते हुए मैंने सप्लाई चेन का एक NPTEL का कोर्स किया फरवरी में, जस्ट आफ्टर गेट। ओके, वो IIT रुड़की का एक था। तो उधर से जब मैं उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, मतलब उधर से जब मैं उसको फील किया कि होता एक्चुअली काम होता क्या है, तब मेरे को पता चला कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर सेक्टर में यूटिलाइज हो सकता है और वो एवरग्रीन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज है कल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो वो हर सेक्टर में यूटिलाइज हो सकता है। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, कैसे मतलब हम मैकेनिकल के होके भी थोड़ा टेक्नो मैनेजरियल लोड मेरे को पसंद था, मतलब पूरा कम्प्लीटली टेक्निकल नहीं या फिर कम्प्लीटली मैनेजरियल नहीं, मेरे मतलब टेक्नो मैनेजरियल के लिए ये बेस्ट ऑप्शन था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो अभी फिर इसके अंदर आने के बाद मेरे को इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमको फर्स्ट ईयर में ऑपरेशन रिसर्च रहता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट रहता है, फिर गेम थ्योरी रहता है, फिर सप्लाई चेन रहता है, फिर लॉजिस्टिक्स रहता है, ह्यूरिस्टिक्स रहता है, जो सब स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किए हैं ना, पूरा रियल लाइफ में जितने सब हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं सबको मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सब पूरा कोर्स स्ट्रक्चर इधर पूरा डिजाइन है। सो यू विल कम्प्लीटली एंजॉय द कोर्स स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि इधर पूरा पढ़ा लेंगे नोट्स देके आप चले जाओ रख के आ जाओ एग्जाम दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब क्या करते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट का थोड़ा हल्का पढ़ाते हैं तो इनका मैक्सिमम हार्वर्ड के केस स्टडीज लाके हमको सॉल्व करवाते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस जैसे कि अभी कोई भी कंपनी का टोटल स्ट्रक्चर दे देते हैं, पढ़ो इसमें क्या है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग रिलेटेड एंड उसको सॉल्व करो, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है इसका टोटल कोर्स स्ट्रक्चर। तो इधर आने के बाद पता चला कि मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कैसा कितना बूमिंग फील्ड एंड ऑल, एंड आई एम रियली क्वाइट हैप्पी अबाउट माय डिसीजन अबाउट जॉइनिंग दिस समर। So, मैं बस यही बोलना चाहूंगा एट द एंड कि मतलब अगर आप हाईली एंथुजियास्टिक हो मतलब इसके लिए और रिसर्च के लिए तो ही इसके लिए अप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि इधर आ जाऊं फिर और कोई एग्जाम के लिए इधर आके प्रिपेयर करो, तो दैट विल बी लाइक मतलब दो बोर्ड्स में एक साथ पेड़ देने के टाइप हो जाएगा, ना इधर के रह जाओगे ना उधर के। ठीक है, सो इफ यू आर कम्प्लीटली एंथुजियास्टिक अबाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अबाउट रियल बिजनेस लाइफ, मतलब आप मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन पढ़ के भी आप कैसे बिजनेस लाइफ को आ सकते हो, कैसे आप मैनेजरियल जॉब ले सकते हो, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करो। अगर आपको ट्रूली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को एसेंस चाहिए तो ही अप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि बस मतलब ओके देन लाइक मेरे दिमाग में लास्ट क्वेश्चन आया आफ्टर मतलब ये सब तो खत्म हो गया, लाइक फॉर MBA एज वी नो लाइक वी नीड अ वेरी फ्लुएंट लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश शुड बी वेरी फ्लुएंट, बट अब हम जैसे MS में आ रहे हैं और रिलेटेड टू द मैनेजमेंट है, तो क्या कितना कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर मैटर करता है? आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश इफ वी रेट ऑन 10, तो कितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इसका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एंड आफ्टर इंटरव्यू लाइक इस कोर्स को 2.5 साल तक पढ़ने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल तो कोई भी मैनेजमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, वो तो आपको अगर आपका अच्छा है देन यू नीड टू फर्निश इट, अगर आपका बुरा है तो भी यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इट। वो कोई भी मैनेजरियल फील्ड को आप आना चाहते हो, मतलब इधर आप क्या करोगे डायरेक्ट मतलब आप इधर बिजनेस वर्ल्ड में आपका आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट के साथ आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा या फिर कोई भी चीज ऑप्टिमाइज करना हो तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहना पड़ेगा डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों से, मतलब आपको चारों ओर से डेटा चाहिए
इधर ऑपरेशंस में क्या होता है ना, आपको चारों ओर से डेटा लाके इधर से आपको सब या फिर ऑप्टिमाइजेशन हो या फिर कुछ भी हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो भी काम, आपको हर ब्रांच के साथ आपको कॉन्टेक्ट में रहना पड़ता है. सो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहना पड़ता है इधर थोड़ा. तो उसके लिए जिसको कम्युनिकेशन एक होता है, कम्युनिकेशन की हम लोगों को डर लगता है, हेजिटेशन होता है, हम बात करने में डरते हैं. ठीक है, लाइक अब सामने एचआर बैठा है, हम लोग बात करने में डर रहे हैं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक फ्लुएंसी इन इंग्लिश और शुड बी यू फ्रेंड. एक्चुअली कई बार लोगों का मतलब लाइक उनका बोलना बहुत अच्छा है, उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, लाइक वो लीडर की तरह एज अ लीडर वो अपने आप को मतलब कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. बट जब इंग्लिश की बात आती है तो वो डगमगा जाते हैं, है ना, दे आर नॉट फ्लुएंट विद दैट. तो यहाँ पे इंग्लिश कितना मैटर करता है? हाँ, वो ये थोड़ा ज्यादा मैटर करता है क्योंकि इस पे हर हर नेक्स्ट कोर्स पे इधर जो जो भी कोर्स ऑफर हो रहे हैं ना, उन उनमें एक मतलब मिनिमम एक प्रेजेंटेशन आपको लाइव क्लास में देना ही पड़ते हैं. ठीक है, इधर जितने भी कोर्स है ना, सभी में एक ना एक प्रेजेंटेशन आपको खुद पूरा क्लास के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है. एंड इंटरव्यू में भी वो तो नॉर्मल इंग्लिश में चलता ही है, तो इंग्लिश का स्किल्स थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा. बट ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब यू शुड बी लाइक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो. हाँ, ऐसा नहीं है, गाय जैसे तो नहीं है ना. सॉरी, किसके लिए? आईएम्स गाय जैसे. नहीं, इतना भी नहीं चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए. मतलब यू हैव टू डू अ ट्रेड ऑफ, मतलब इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए. ठीक है, मतलब आपको ऑपरेशंस के बारे में जो मैथमेटिकल मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको टेक्निकल स्किल्स भी स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे कि मैं बोला, दिस इज अ कंप्लीट टेक्नो मैनेजरियल पोस्ट. ओके, मतलब आपको टेक्नो मैनेजरियल पोस्ट में इसके बाद आप किधर भी आपको खुद को आप टेक्नो मैनेजर के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे. तो टेक्निकल स्किल्स भी जितना होना चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स भी उतना होना चाहिए. मतलब प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ऐसा नहीं कि ये 100% ये 0 या फिर ये 100 ये 0, ऐसा बिल्कुल नहीं. ओके, फ्रॉम माय साइड एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी मतलब कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस. लाइक मुझे जो लगते थे कि लोगों को हो सकते हैं डोम्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, आई थिंक मैंने अपने साइड से सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट हो रिगार्डिंग, आपका भी इंटरव्यू होने वाला होगा, बहुत सारे फॉर्म्स भरने वाले हैं क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी पास आने वाली है, तो अभी तुलसी और सागर लोग एक ग्रुप बनाया है, लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, दैट्स लाइक फॉर द डोम्स कैंडिडेट. उसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है, इस वीडियो के. तो आप जाइए उस ग्रुप को ज्वाइन करिए अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो और आपको अगर डोम्स की तरफ थोड़ा भी इंटरेस्ट हो. तो सागर और तुलसी क्या करेंगे, आपके रिसर्च प्रपोजल वगैरह, उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यूज के लिए, वो लोग आप लोगों की लगातार हेल्प करते रहेंगे. तो अगर आप लोग इस कोर्स की तरफ थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो. ओके, देन आई वुड लाइक टू थैंक यू सागर एंड तुलसी फॉर लाइक फॉर टू गिविंग अस दिस वैल्यूएबल टाइम. लाइक बोलो कि हम लोग भी जानते हैं कि उनका भी कोर्स वर्क चल रहा है, बिल्कुल अपने बिजी होंगे, उसमें से इतना थोड़ा सा टाइम निकाला उन्होंने हमारे लिए. तो आई वुड लाइक टू थैंक यू बोथ ऑफ देम, सागर एंड तुलसी. एंड हम लोग इतना ही एंड यहीं पर एंड करना चाहेंगे इस इंटरव्यू को, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे. और जिसको भी जिससे तरीके का भी डाउट रिगार्डिंग डोम्स, तो मैं कहूंगा सागर और तुलसी आर द बेस्ट कैंडिडेट टू क्लियरिफाई योर डाउट्स. ओके, मुझसे भी ज्यादा बेटर तरीके से ये क्लियरिफाई कर सकते हैं. तो ज्वाइन द टेलीग्राम नाउ. ओके, थैंक यू सागर. आई वॉन्ट टू मेक अ कंक्लूडिंग रिमार्क हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सिद्धार्थ फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म to share our experience and make people aware that this type of branch also exists. And concluding remarks ये है कि अगर तुम्हारा score 600 से 800 के बीच में है और तुम अगर management studies में और operations में interested हो, मतलब research करने में interested हो, then this is the best place you can hope for. और मतलब अगर आपका score 800 से भी ज़्यादा है तो भी apply कर सकते हो, ऐसा नहीं कि apply नहीं कर सकते हो. पर लेकिन होता कैसा है कि आप 800 से ऊपर स्कोर है, आप अप्लाई तो कर देते हो लेकिन किधर एमटेक अच्छा मिल गया तो निकल जाते हो, कौन भाई रिसर्च करेगा, अपना एमटेक मस्त कोर्स वर्क कर लेंगे. तो कैसा है, ऑलरेडी प्लेस्ड, ऑलरेडी जो पोजीशन से 5-6 पोजीशन होती है और उसमें से भी आप एक जगह मतलब एक पोजीशन जो अगर वेस्ट कर दे रहे हो तो इट इज द मीन्स लॉस ऑफ कम्युनिटी एज अ होल. करेक्ट, पीएसयू में चले because if the score is having greater than 800 then there are high chances that he may go to the PSU after, because PSU ke jo ye wo baad mein aate hai na, ye admissions pehle ho jate. So means if you are only serious then you must apply. That's what concluding remark from my side. Seed bilkul bhi waste nahi karne ka kyunki seed bahut hi kam hote hain idhar, matlab 4 ya 5 seeds hi hote hain and applicants are already
लास्ट ईयर ऑपरेशंस के लिए शॉर्टलिस्ट 40-50 बंदे हुए थे, उनमें से 4 ही सिलेक्ट हुए थे। इस बार भी आई होप मतलब अराउंड 200-300 एप्लीकेंट्स तो होंगे, फिर उनमें से कितने शॉर्टलिस्ट होंगे, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट्स 5 या 6 ही जाते हैं। सो रिक्वेस्ट की मतलब अगर आप कम्प्लीटली एंथुजियास्टिक हो इस कोर्स के लिए तभी अप्लाई करो, या फिर मतलब ऐसे ही मतलब चलिए फिर हम लोग इसी के साथ इस इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं, एंड जस्ट मतलब बहुत बहुत थैंक्स सागर और तुलसी अपना टाइम देने के लिए। ओके थैंक यू बेस्ट ऑफ लक फॉर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है और अब आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिल चुकी होगी डोम से रिलेटेड। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि अप्लाई कर दो, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बेहतरीन डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा पैकेज और बहुत सारी रिसर्च नॉलेज आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपको बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है सिद्धार्थ लाइव। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी मैसेज करिए, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। देखते रहें, बने रहें, जुड़े रहें सिद्धार्थ लाइव के साथ।